नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। नकारात्मक ऊर्जा यदि किसी भी रूप में एक व्यक्ति के आसपास होती है तो उसके पूरे जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करती है। नकारात्मक ऊर्जा की उपस्थिति बहुत तरह से महसूस की जा सकती है। घर में लगातार आर्थिक तंगी का रहना, लड़ाई क्लेश, लगातार घर के सदस्यों का बीमार रहना बिना किसी वजह के, बुरे डरावने सपनों का आना, ऊपरी हवा, ये कुछ संकेत होते हैं नकारात्मक ऊर्जा के। बहुत माध्यम है जिनके द्वारा नकारात्मक ऊर्जा का अटैक एक व्यक्ति पर हो सकता है। कई बार कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर ये नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज्यादा सक्रिय होती हैं, और ऐसा व्यक्ति जिसकी ग्रह दशा थोड़ी कमजोर है, आत्मबल थोड़ा कमजोर है, यदि ऐसे स्थान पर जाता है तो नकारात्मक ऊर्जाएं उस पर आक्रमण करती हैं और उसे अपनी चपेट में ले लेती हैं। इसके अलावा पूरे दिन भर हम कितने व्यक्तियों से मिलते हैं और बहुत ही और अनेकों व्यक्तियों की ऊर्जाओं के संपर्क में आते हैं। अब चूंकि हर व्यक्ति की अपनी एक वाइब्रेशन होती है एनर्जी की, उसका एक आभा मंडल होता है, और ऐसे में यदि उस व्यक्ति की ऊर्जा नकारात्मक होती है तो उसके संपर्क में आने से हमारा खुद का आभा मंडल, हमारी खुद की ऊर्जा भी नकारात्मक हो जाती है, संक्रमित हो जाती है, और कई प्रकार से जीवन में व्यवधान और परेशानियां पैदा होती हैं। तो इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाव बेहद जरूरी है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बेहद प्रभावी उपाय के बारे में, जो यदि आप करते हैं तो हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो आपकी लाइफ में है वो समाप्त होती है। ये जो प्रयोग मैं आपको बता रही हूँ ये अनुभूत प्रयोग है और 100% फल देने वाला है। तो आइए जानते हैं प्रयोग के बारे में। इस प्रयोग के लिए आप एक काला धागा ले लें। जो धागा आप ले रहे हैं वो आपकी लंबाई का हो, या फिर जिस व्यक्ति के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं उसकी लंबाई के बराबर का धागा आप ले लें, काले रंग का धागा हो। अब इस धागे को आप अपने घर के मंदिर में माँ के मूर्ति के आगे उनके चरणों के पास रख दें। प्रातःकाल नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लें। शनिवार के दिन आपको ये प्रयोग करना है। नहा धोकर जब आप स्वच्छ कपड़े पहन लेते हैं तो अपनी नित्य की पूजा करें, माँ काली को जोत अर्पित करें, धूप दीप अक्षत माँ को अर्पित करें। तिल के तेल की जोत माँ को आपको अर्पित करनी है। भोग में 2 लौंग 2 बताशे माँ को अर्पित करें। अब आपको संकल्प लेना है काली कवच के पाठ का। 11 कवच 11 दिन का आपको संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम माँ को आपको बताना है, और जिस प्रयोजन के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं वो प्रयोजन आपको माँ को बताना है। माँ से प्रार्थना करनी है कि हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से, हर प्रकार के संकट से वो आपकी रक्षा करें। इस प्रयोग में सफलता का आपको आशीर्वाद माँ से मांगना है। भूल चूक के लिए क्षमा याचना करनी है। अब ये जो काली कवच का पाठ आप करेंगे, ये 11 पाठ 11 दिन का जो आप कर रहे हैं उसमें मैं ये आपको बता दूं कि माँ के कवच कई प्रकार के होते हैं, बहुत सारे कवच हैं माँ के। कई भाई बहनों के ये मैसेजेस आते हैं, उन्हें ये कन्फ्यूजन होता है कि कौन से कवच का पाठ करें, क्योंकि बहुत सारे कवच हैं तो कौन सा कवच ज़्यादा प्रभावी है। माँ के हर कवच में माँ की स्तुति है, उनके नाम की महिमा का वर्णन है, तो सभी कवच समान प्रभावी हैं। जो भी कवच आपके पास उपलब्ध है उस कवच का आप पाठ कर लें। अब जब 11 दिन 11 बार कवच का, काली कवच का आप पाठ कर लेते हैं तो जो धागा आपने माँ के चरणों के पास रखा है मंदिर में, उसमें आपको गांठें लगानी हैं। जितनी आपकी आयु है उतनी ही गांठें आपको उस काले धागे में लगानी हैं। उदाहरण के लिए यदि आपकी उम्र 20 साल है, या सामने पीड़ित व्यक्ति जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं उसकी उम्र 20 साल है तो 20 गांठें काले धागे में लगाएंगे, और यदि 10 साल उम्र है व्यक्ति की तो 10 गांठें उस काले धागे में लगाएंगे। अब गांठों को लगाते समय आपको क्रीम बीज मंत्र का निरंतर मानसिक जप करना है। हर गांठ लगाने के बाद उसमें थोड़ा सा सिंदूर आपको छिड़कना है। जब गांठें आपकी पूरी हो जाएं तो उस धागे में 11 बार फूंक मारकर माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, ये जो धागा है मैं धारण कर रहा हूँ और मेरी रक्षा करें। इस प्रकार मनी मन माँ से प्रार्थना करते हुए उसको धारण कर लें। आप चाहें तो उस धागे को गले में पहन सकते हैं या अपने हाथ में उसे बांध सकते हैं। और इस प्रयोग में आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब आप रोज़ काली कवच का पाठ कर रहे हैं तो रोज़ एक नींबू की बलि माँ को अर्पित करेंगे। रोज़ एक नींबू को काटकर 2 हिस्सों में बांटकर उसमें थोड़ा सिंदूर छिड़ककर माँ के चरणों में आपको रखना है, और रोज़ के रोज़ उस नींबू को आपको विसर्जित करना है। या तो जल प्रवाह कर दें या किसी सुनसान जगह में उसको ज़मीन में दबा दें। अगर किसी कारणवश आप रोज़ के रोज नींबू का प्रवाह नहीं कर सकते हैं या नींबू को विसर्जित भूमि के अंदर नहीं कर सकते हैं तो उसको आप किसी पात्र में रख दें अलग से कटे हुए नींबू को, और एक साथ ही
और दूसरे नींबू के साथ उसका आपको विसर्जन करना है। तो 11 दिन 11 नींबू की बलि माँ को आपको देनी है। जो लौंग और बताशे का प्रसाद आप माँ को चढ़ाएंगे वो रोज 11 दिन चढ़ेगा और आप उस प्रसाद को खुद ग्रहण कर सकते हैं। ये जो धागा है आपकी हर प्रकार की नकारात्मकता से रक्षा करेगा। पहले दिन से ही आपकी रक्षा माँ स्वयं करेंगी। 3 महीने बाद आपको इस धागे को उतारकर जल में प्रवाह कर देना है या फिर जमीन में दबा देना है और 3 महीने बाद फिर ये उपाय आपको दोबारा से रिपीट करना है शनिवार के दिन। इसी प्रकार 11 पाठ काली कवच के 11 दिन करने के बाद आप इस धागे को अपने शरीर पर धारण करेंगे और यही सारी प्रक्रिया आप पुनः दोहराएंगे। तो दोस्तों, ये सिद्ध अनुभूत प्रयोग है हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा के लिए। माँ काली आप सबकी रक्षा करें। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।